Sex/Life एपिसोड 1। हे वाईटी फैमिली, आज सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में आप सुनने जा रहे हैं नॉवेल 44 चैप्टर अबाउट मेन की कहानी Sex/Life सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। मेन Sex/Life सीरीज इंस्पायर्ड है नॉवेल 44 चैप्टर अबाउट मेन से। नेटफ्लिक्स पर जून 25, 2021 में आई ये सीरीज लगभग 4-5 मेन करेक्टर से घिरी हुई है। पहली है बिली, जो कि एक साइकोलॉजी PhD कैंडिडेट है और जो अब 2 बच्चों की माँ है और हाउसवाइफ है। फिर आता है कोपर, जो कि बिली का पति है और एक बहुत अच्छा आदमी और सपोर्टिव हस्बैंड है। फिर है ब्राड, जो कि बिल्ली का एक्स बॉयफ्रेंड है और एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर और रिकॉर्ड लेबल का CEO है और हर वुमेन्स की ड्रीम का एक वाइल्ड वर्जन, जो कि बिल्ली को फिर से चाहने की चाह रखता है। फिर आती है सासा सॉ, जो कि बिली की बेस्ट फ्रेंड है और साइकोलॉजी प्रोफेसर है। बिली और सासा क्लासमेट और रूममेट दोनों हुआ करते थे। और कुछ लोग हैं, जैसे डेवोन, जो कि कॉपर का दोस्त और कलीग है। कार्लोइन, जो कि एक फेक हैप्पी मॉम है। और फिर ट्राइना, डेवोन की वाइफ है और सिंगर है और वो भी अपनी शादी से नाखुश है। और फ्रांसिका, कोपर की बॉस है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है और जिसे कोपर के लिए फीलिंग है। तो चलिए अब एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बेली से, जो कि हमें बता रही है कि एक वक्त था जब वो आज़ाद थी और ज़िंदगी के मज़े लूट रही थी। और सीन आती है फिर पार्टी में, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड ब्राड के साथ पार्टी में इंटीमेट हो रही होती है और फिर अचानक से उसकी नींद टूटती है और वो सपना देख रही होती है ये सब। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसके 2 बच्चे हैं और वो अभी एक हाउस। तभी उसका हस्बैंड कॉपर आता है और वो अपने दोनों बच्चों को प्यार करता है। फिर बेली को कहता है कि तुम ठीक हो। कॉपर नहाने जाता है, बेली उसे कपड़े उतारते हुए घूरते रहती है और कॉपर उसे बताता है कि कंपनी का मर्जर हुआ है और नई बॉस आई है और वो सब चाहती है जो कॉपर उस कंपनी के लिए चाह करता था। तभी बेली उसके करीब आती है उसे हग करने, तभी कॉपर के बॉस का कॉल आ जाता है। फिर वो हमें बताती है कि कॉपर से मिलने से पहले उसने लगभग कामासूत्रा के 73% पोजीशन ट्राई कर चुकी है, वो भी डिफरेंट लड़कों के साथ। पर फिर उसने ये संस्कारी लड़के से शादी क्यों की, क्योंकि उसके पास्ट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल पाया सही से। पर जब वो कॉपर से मिली तो उसमें वो सब दिखा जो उसे या फिर किसी भी लड़की को चाहिए होता है। प्यार, एक सक्सेसफुल मैन, मीन्स पैसा, रिस्पेक्ट और प्लस किसी लड़की के पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट, मीन्स बेली के पेरेंट्स का भी रिस्पेक्ट कॉपर बहुत अच्छे तरीके से करता था। और लव मेकिंग में हार्ड, मीन्स हार्ड कोर, समझ रहे होगे। और वो चाहती है कि अगले जन्म में भी उसे यही पार्टनर मिले, पर इन सब के अलावा वो बिस्तर में उसकी जान भी निकाल दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉपर मैच देख रहा होता है, तभी बेली उसके पास आती है और उसे सेड्यूस करना शुरू करती है और फिर दोनों इंटीमेट होना शुरू होते हैं। पर कॉपर का ध्यान मैच पर लगा होता है और फिर कॉपर बेली से पहले सेटिस्फाई हो जाता है। बेली तड़प रही होती है, इसलिए वो कॉपर को कहते हैं कि प्लीज़ वाइब्रेटर लेके आओ। कॉपर जाता है, वाइब्रेटर लेके आता है, पर वाइब्रेटर की बैटरी लो होने का कारण वो भी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और तभी बेली के बच्चे भी रोने लगते हैं। कॉपर कहता है कि मैं बच्चे को देख लेता हूँ, पर बेली कहती है नहीं, मैं देख लूँगी, और वो रह जाती है अनसेटिस्फाइड, दुखी, और कहती है कि बच्चे होने के बाद 18 महीना से लगभग कभी भी कॉपर ने उस पर वार नहीं किया, मीन्स शेर की तरह उस पर उछला नहीं जैसे वो पहले किया करता था। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। बिले कहता है कि हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं है, एक वक्त था जब कॉपर उसकी जान निकाल दिया करता था। नेक्स्ट सीन में बेली अपने दोस्त सासा को कॉल करती है और फिर उसे बताती है कि वो खुश नहीं है। वो उसे बताती है कि मैं कभी ऐसा नहीं बनना चाहती थी। सासा कहती है कि काम दोबारा चालू कर दो, तो बेली कहती है कि नहीं, मैंने और कॉपर ने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं घर पे रहूँगी और मैं भी यही चाहती थी, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है और आजकल मैं उसके बारे में सोचने लगी हूँ, मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्राड के बारे में,
सासा कहती है कि अपनी ये बसी बसाई घर बर्बाद मत कर देना, वो एक अच्छा आदमी है और तुम्हारे जैसा लाइफ पाने के लिए कितनी लड़कियां तड़पते रहती है। बेले कहती है कि हाँ, पर मैं दोबारा वो सब फील करना चाहती हूँ। सासा कहती है कि सुनो, तुम्हें पता है कि ब्राट कैसा था, वो प्लेजर देगा, खुशी भी देगा, पर वो तुम्हें छोड़ भी देगा और तुम्हारा बसा बसाया घर भी बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में बिली अपने मैक पर ब्राड और अपनी पहली मुलाकात को लिखती है। वो और सासा जब सैटरडे नाइट को बार में जाती थी और जहाँ उसे उसका सिंगर मिलता था जिसके लिए सासा पागल थी। नेक्स्ट सीन में सासा और वो सिंगर इंटीमेट होते हुए रहते हैं और सासा बेली को कहती है कि तुम घर चली जाओ। बेली निकल जाती है, तभी पीछे से ब्राड आता है ये कहते हुए कि सासा ने उसे भेजा है तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए। बिली को लगता है कि वो उसी बैंड का कोई मेंबर है, बट फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और ब्राड इसी बीच उसे बताता है कि उसका एक रिकॉर्ड कंपनी है। ब्राड उसे ड्रिंक के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, बेली मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा रहता है। फिर ब्राड बेली को टेरिस पर ले जाता है जहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता है। बिली खुश होकर उसे किस करती है और सोचती है कि अब यही मेरी ज़िंदगी है। ब्राड उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखता है तो बिली हाथ हटा देती है। ब्राड कहता है कि तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, तो वो कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है कि भरोसा तो है। फिर वो ब्राड से थोड़ी दूर होती है और अपने पूरे कपड़े उतार देती है और फिर स्विमिंग पूल में चली जाती है। ब्राड भी सेम उसके पीछे पीछे अपने कपड़े उतारता है और स्विमिंग पूल में जाता है और फिर दोनों वहीं पे इंटीमेट होती है और ये सीन ख़त्म होती है। और फिर आती है सीन प्रेजेंट में जहाँ हम देखते हैं कि अगली सुबह कोपर वो सब पढ़ लेता है जो बिली ने पिछले रात को लिखा था। गुस्से में कोपर बिली के सामने आता है, उसे किस करना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए ना, और फिर उसे टेबल पर झुकाता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होता है और इस बार उसे फुल्ली सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेबल पर झुकाने की वजह से बिली के फेस पर थोड़ी चोट आती है और फिर देखते हैं कि कॉपर बिली को कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो ऑफिस चला जाता है। फिर बिली अपने बेबी सीटर को कॉल करती है और घर बुलाती है और फिर वहाँ से सासा से मिलने के लिए निकल जाती है। तभी रेलवे स्टेशन पर उससे कॉलिन मिलती है तो बिली उसे झूठ कहती है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ क्योंकि कार्लिन उसे बोर कर रही होती है। फिर बिली सासा के घर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही सासा दरवाज़ा खोलती है वो झटके से घर के अंदर घुस जाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे पहले ड्रिंक चाहिए। तभी वो वहाँ पर ब्राड को देखती है जो कि शर्टलेस रहता है। सासा उसे कुछ कहना शुरू ही करती है कि बिली उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो वाइटी फैमिली, प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि ये सुधार लो वो सुधार लो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उस पर अपना काम करूँगा। और अगर इस वीडियो में रीच अच्छी रही, मीन्स लाइक्स एंड कमेंट्स अच्छे रहे, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए सोचूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, ख्याल रखें अपना।